हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मीज डिलीशियस डिशेस। सर्दियों में पीजिए गर्मा गर्म टमाटर का सूप होटल स्टाइल और हेल्दी तरीके से, सिंपल तरीके से बनाएंगे और 10 से 12 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा हमारा टमाटर का सूप। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमने लिए हैं 4 टमाटर। आप बड़े भी ले सकते हैं, छोटे ले सकते हैं, आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से टमाटर ले सकते हैं। टमाटर होने चाहिए बिल्कुल लाल, जो थोड़ा सा हरा दिख रहा है इसको हम निकाल देंगे। इसको पहले काट लेंगे, ये इसकी आँख सी बनी हुई है, इसको निकाल देंगे और हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। हम इसको ज़्यादा बड़े टुकड़ों में नहीं काटेंगे। हम ये भी आपको बताएंगे कि हमने छोटे छोटे टुकड़े क्यों काटे हैं। हम इसे प्रेशर कुकर में बिल्कुल नहीं उबालेंगे, हम बिल्कुल ओरिजिनल होटल स्टाइल ही बनाएंगे और टेस्ट भी होटल स्टाइल का ही रहेगा। चलिए, अब हमारे सारे टमाटर कट गए हैं। हमने रख लिया गैस पर कढ़ाई। अब हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून बटर। अब हम इसमें डालेंगे छोटी 1 चम्मच लहसुन बड़ी कटा हुआ, इसको डाल देंगे। हम बटर को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, हम ऐसे ही डालेंगे। इसमें हम आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और इसको ग्रेट कर लेंगे, इसको चला देंगे। बटर में बबल आते ही हम डाल देंगे इसमें टमाटो जो हमने काट रखे थे। आप इसको टमाटर को मिक्सी ग्लास में डालकर पीसना नहीं, उससे टेस्ट अजीब सा आ जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। और हम बना रहे हैं होटल स्टाइल। गैस हमने कर दी है लो टू मीडियम और इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छे से गल ना जाए। हम छोटी 1 चम्मच डालेंगे नमक, इससे टमाटर जल्दी से गलेंगे। उसको 5 से 7 मिनट लग सकता है टमाटर गलने में। अरे, हम इसको ढककर नहीं गलेंगे, खुला ही पकाएंगे इसको। हमने इसे जब भी प्रेशर कुकर में नहीं उबाला, उससे भी टेस्ट अलग आ जाता है। चलिए फ्रेंड, जब तक हमारा टमाटर गल रहे हैं हमने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है। जब तक हम ब्रेड सेक लेते हैं, बटर लगाकर ब्रेड को सेकेंगे। आप इसको पहले भी सेक सकते हैं या साथ के साथ भी सेक सकते हैं, आप बिना बटर के भी सेक सकते हैं इसे। हमने 4 ब्रेड सेक लिए हैं लो टू मीडियम गैस पर, हम इसको सेकेंगे। हम इसको बीच बीच में पलटते रहेंगे और इसको क्रिस्पी होने देंगे। चलिए, ये देखिए हमारा टमाटर कितना ही गल गया है और टमाटर ने पानी भी छोड़ दिया था और ये बहुत अच्छे से मैश होने लग रहा है टमाटर। ये अच्छे से गल जाना चाहिए। ब्रेड को हमने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है, ये क्रिस्पी हो जाएंगे लो फ्लेम अब हमने कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच चीनी, शुगर डाल देंगे इसमें। अगर आप लंबे वाले टमाटर लेंगे तो आप उसमें 1 चम्मच कम डालना। ये मैंने गोल वाले टमाटर लिए हैं तो मैंने इसमें 4 चम्मच डाली है। और इसमें शुगर जरूर डालना और छोटी 1/2 टीस्पून हम डालेंगे वाइट पेपर पाउडर। इसमें काली मिर्च का पाउडर मत डालना, नहीं तो हमारा जो सूप है वो ब्लैक ब्लैक लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून केचप, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसे ज़रूर डालें। अब हम इसमें डालेंगे रेड फूड कलर 1 पिंच। अगर आपको होटल स्टाइल बनाना है तो कलर डालें, ये कलर नहीं डालना। तो आप बीट रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें 1 से 2 टुकड़े डाल दें, उससे भी कलर अच्छा आ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 2.5 कप पानी, लगभग हम डालेंगे 500 ml पानी। ये हमने 2 कप पानी डाल दिया। अब गैस हमने तेज कर दी है, इसको उबाल आने देते हैं। इसमें आ गया उबाला और गैस हमने लो कर दी है और इसको 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। हमारे जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी टमाटर में, वो भी हमारे टमाटर गल जाएंगे इसमें। ये हमारा पक चुका है, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसे, टमाटर भी हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखिए इसे मैश हो गया है। गैस अब हम बंद कर देते हैं। हमने एक बाउल रख लिया और एक स्टेनर रख लिया है। अब हम अपना ये सूप को इसमें छानेंगे। हम इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी ग्लास में डालकर बिल्कुल नहीं पीसेंगे, नहीं तो उसके साथ ये होगा तो बीज भी पिस जाएंगे तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो मिक्सी में डालकर पीसे ना इसको, इसको ऐसे ही छाने। हम इसमें डाल लेते हैं, इसको मैश करते हुए छानेंगे इसे, जिससे कि इसका जो पल्प होगा वो भी स्ट्रेनर के नीचे निकल जाए और बीज हमारे इसी स्ट्रेनर पर रह जाएंगे। चलिए, हमारा ये छन गया है और छिलके और बीज रह गए हैं और ये स्ट्रेनर के नीचे लगा रह गया है, इसे निकाल लेंगे। और चम्मच हमारा बिल्कुल साफ होना चाहिए, इस पर छिलके लगे हुए नहीं होने चाहिए। ये देखिए हमारा सूप का कलर कितना बढ़िया आया है। चलिए फ्रेंड्स, हमने गैस पर कढ़ाई रख ली है और हम ये अपना छना हुआ सूप इसमें डाल देंगे। तेज कर दी हमने गैस और इसको उबाला आने देते हैं। इसमें आ गया उबाला। अगर आपको 2.5 कप डालना था पानी तो आप ऐड कर सकते हैं, मैंने 2 ही कप डाला, आप 1/2 कप और डाल सकते हैं। अब गैस को हम लो कर देंगे। चलिए, अब हम ले लेते हैं कॉर्न फ्लावर, जो कॉर्न स्टार्च होता है, ये हमने लिया है कॉर्न स्टार्च।
आप आरारोट भी ले सकते हैं, तो मगर आरारोट थोड़ा सा अलग है और कॉर्नस्टार्च अलग होता है। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच और इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसको घोल बना लेंगे। चलिए ये हो गया तैयार। जो हमने कॉर्नस्टार्च घोला था हम इसमें डाल देंगे, सारा एक साथ नहीं डालेंगे, हम सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे क्योंकि ये हमारा अभी से ही गाढ़ा है, तो इसलिए हम इसमें कम डालेंगे। हम पहले 1 चम्मच डालेंगे, इसको लगातार चलाते रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे नहीं तो नहीं। और ये ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता, सूप को सूप की तरह ही पिया जाए वही अच्छा होता है। ये देखिए ये गाढ़ा हो गया, मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, तो मैं इससे ज़्यादा और नहीं डालूंगी कॉर्नस्टार्च। तो इसको थोड़ा सा पकने देते हैं जिससे कि हमने जो कॉर्नस्टार्च डाला है वो अच्छे से पक जाए। तेज हमने गैस कर दी है क्योंकि इसमें अभी उबाला नहीं आया, उबाला आने देते हैं, लगातार चलाते रहेंगे इसे। उबाला आ चुका है, गैस को लो कर देंगे और हम इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद। इसके ऊपर जो थोड़ा थोड़ा सा झाग आ रहा है हम इसको निकाल देंगे, अगर आप निकाल दोगे तो इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। चलिए 1 मिनट हो चुका है और अब हम गैस कर रहे हैं बंद, हमारा सूप तैयार है। चलिए फ्रेंड्स, हमारे सूप बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और हमारे 2 बाउल बनकर तैयार हो गया 4 टमाटर से, और हमने ब्रेड के क्रूटॉन्स हमने काट लिए हैं कैंची से स्क्वायर शेप के। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको चला के दिखा देते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। अगर आप ऐसे ही बनाओगे तो आपको बिल्कुल होटल जैसा ही टेस्ट मिलेगा, वो भी आप बना सकते हैं घर पर, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इसे सर्दी में सुबह सुबह पी सकते हैं सूप को। ब्रेड के क्रूटॉन्स को हम रख देते हैं, आप इसके सूप के साथ आप इसे डालकर खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप इसके बिना ब्रेड के भी आप इसे सूप को पी सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्रीम लेंगे या घर की मलाई भी ले सकते हैं, हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। जब आपको सूप पीना हो आप इसमें मक्खन डाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी डिलीशियस डिशेस रेसिपी के साथ। थैंक यू।